सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रोडवेज कर्मचारियों की प्रदेश भर में सांकेतिक हड़ताल, रोहतक में भी कर्मचारियों ने लिया भाग। सरकार मांगे माने वरना करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज प्रदेश भर में सांकेतिक हड़ताल की। रोहतक के रोडवेज कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल में भाग लिया। ग्रीमा टाइम्स से बात करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान ने कहा कि आज प्रदेश भर के कर्मचारी 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज पूरे राज्य के अंदर 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। इस सरकार के खिलाफ बार बार हड़ताल करने के बावजूद, टेबल पर बातचीत मानने के बावजूद, सरकार बार बार वायदा किया है हर साल 1000 बसें इस बेड़े में शामिल करेंगे। हर अपने मुद्दे से मुकरते हुए 720 जो बसों को हायर करने का जो मामला है, इसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश के अंदर 24 घंटे की भूख हड़ताल है। और गैर कानूनी तरीके से रोडवेज के कर्मचारियों पर जो एस्मा लगाई गई है, उसका हमारी दोनों यूनियन घोर विरोध करते हैं। समय रहते हमारे केंद्र के नेताओं से बातचीत करके इस मसले को सुलझाया जाए, वरना ये मसला अनिश्चित हड़ताल तक जा सकता है।